फेंक दो, चल 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 ले ले, छोड़ दिया छोड़ दिया। सुधा तू क्या कर रही है इधर, तेरी तो बारात आने वाली थी ना। बारात तो आने वाली है, पर तू क्यों नहीं आई? और ये देख हल्दी की रस्म भी हो गई। मैं वो अच्छा मैं भी मत कर, कि देख मैं देने के लिए ना तेरे घर ही जा रही थी। अच्छा तो मुझे ये मिल गया। पूर्वी मैं ना तुझे कुछ दिखाती हूं। क्या दिखाना है? अरे तू चल तो सही, कुछ मत कर। अरे तू सुधा एक मिनट सुधा, बात तो सही। ये देख हमारा नया घर, हमारी बड़ी सी रसोई है ना, कितनी प्यारी। और हाँ पूर्वी इधर देख, यहाँ पर ना हम बड़ा सा पंखा टांगेंगे, और चाहे कितनी भी बारिश हो यहाँ पर पानी भी नहीं टपकेगा। और तुझे पता है यहाँ पर ना कोई जंगली जानवर भी अंदर नहीं घुस सकते। तुझे खिड़की से दिखाती हूँ, आ खिड़की से देख सब कुछ कितना प्यारा दिखता है ना। रियू फोन छोड़ दे बेटा, पहले नाश्ता कर लो। चलो चलो जल्दी आ जाओ सब, चलो चलो आ जाओ जल्दी जल्दी। हाँ आओ शाबाश। देखो पूड़ी आ गई। तुम अभी तक फोन पे हो? चलो चलो बैठो। ओ देखो दीदी भी आई। और ये समोसे खाएगा डुड्डू, जलेबी खाएगी प्रियो दीदी। चलो हटाओ ये, बस हो गया। पूर्वी अब हमें ना चूल्हा जलाने की जरूरत भी नहीं है, सब गैस पर बनेगा। मेरी अम्मा को ना अब यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही मेरे पापा को कुछ करना पड़ेगा। पूर्वी कहाँ खो गई, कैसा लगा सब कुछ? बहुत अच्छा है, पर सुधा ये सब कैसे? ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ, मेरा पुराना वाला लहंगा, तुझे बहुत पसंद है ना, तू रख इसको। पर सुधा इसमें तो तेरी किताबें हैं, इसका मैं क्या करूँगी? क्या करूँगी अब? मतलब तू शादी के बाद पढ़ने नहीं वाली क्या? पढ़ाकू, शादी के बाद भी लड़कियाँ पढ़ती हैं क्या? हाथों में मेहंदी लगी, हाथों से किताबें। पर सुधा तुझे तो कितना पसंद है पढ़ना, तो ये मुझे तो कोई भी बात पसंद है। चलेगी मेरे ससुराल? नहीं चल सकती ना। ऐसे पूर्वी शादी के बाद में लड़कियों की मर्जी नहीं चलती है, जो पति बोलेगा वही करना पड़ेगा। बारात आने वाली है दीदी, अम्मा बुला रही है। आई पूर्वी चल, लेट हो जाएगा। हाँ माँ, मैं तेरे लिए भी एक दिन ऐसा ही पक्का घर बनाऊंगी। अरे दीदी ये तूने कैसे पहना है? अरे क्या हो गया, ऐसा ही तो लग रहा है। प्रियो मैं पहनाती हूँ, शादी में जा रही है, मजदूरी में नहीं। आंखों में काजल डाल के जा, कानों में बाली पहन, फिर लगेगी ऐश्वर्या। प्रियो सही तो है। सही नहीं है, मैं करती हूँ उसे। गले में चप्पल भी दे दे अपनी। लेकिन चप्पल तो मेरी भी टूटी हुई है। एक मिनट, एक इलाज है मेरे पास, ये देख। इसे कहते हैं रेशम से सूत को छुपाना। वाह दीदी बड़ा दिमाग चलाया तूने। चलो मैं चाहती हूँ। दीदी एक मिनट, सबसे जरूरी चीज तो तुम भूल ही गई। अब क्या हुआ है प्रियू, जल्दी कर। दीदी ये थैला ले और चाची को बोल कि खाना ऊपर तक भर के दे, एकदम ऊपर तक। दीदी अगर ये थैला नहीं भराना तो बाबा का पारा सर तक चढ़ जाएगा, और बाकी का तमाशा तो तू जानती है ना। आदियो। हे भगवान ध्यान रखना इसका, वहां हर बुरी नजर से बचाना पूर्वी को। Thank you.
नमस्ते कांजी भाई, आइए आइए ना, हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आपका। आइए, टाइम पे आ गए एकदम, पूरा सब इंतजाम किया है। आइए देखिए। सुधा दीदी आपको कब से बुला रही, चलो जल्दी। चाचा जी, चाचा जी, मुखी जी आ गए। मुखी जी आ गए, मैं भी आया, आप लोग क्या रहे? कौन है ये मुखिया जी जिनको देखने के लिए ऐसे सब लोग भागे जा रहे हैं? कौन है ये मुखिया जी जिसको देखने के लिए सब लोग पागल हो रहे हैं? अरे तुम मुखिया जी को नहीं जानती? साक्षी मिल के मालिक है मुखिया जी। कभी कभी दिल से हाय निकलती है उस साक्षी मिल के मालिक के लिए, उसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। भगवान, तो ये है वीरेंद्र प्रताप सिंह, साक्षी मिल के मालिक, और हमने इनके पैर पर मार दिया। वीरेंद्र, ये चोट कैसे लग गई तुझे? मामिल में चोरनी घुस गई थी, उसने मार दिया। चोरनी? मैंने तुझे पहले ही कहा है कि मिल के दरवाजे ना बंद करवा दे। तुम लोग अब कच्चे से पक्के मकान में जा रहे हो भाभी? अरे खुशी की बात है, मुंह क्यों लटका लिया है? भाई वादे के मुताबिक एक पक्का मकान और ये 5 लाख रुपया, पूरी जिंदगी अपनी झोंक देता, इतना पैसा नहीं कमा सकता था। दे भाई, लड़की के ब्याह से एक झटके में कमा लिया तूने कैसे? तो फिर आज से तेरी लड़की मूल की हुई। खबरदार, जो किसी ने उस शादी में जाने की बात भी की तो इसे वहां मत भेजो, तुम्हें पता है ना वहां पे क्या होता है। इसलिए मां नहीं चाहती थी कि हम शादी में आए, क्योंकि क्योंकि यहाँ तो मूल के रिश्ते तय हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गांधी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं अब हम कब अपनी बेटी से मिल भी पाएंगे कि नहीं। बीचने से अच्छा तो उसे पैदा खुद ही मार दिया होता आपने। अरे पागल मत बन, बेटी और अपने दोनों के सुख के लिए किया मैंने सब। चल तू सुधा को मंडप में लेके आ, फेरे का वक्त हो गया, चल जल्दी। सुधा की शादी नहीं, उसका सौदा हो रहा है, उसका मोल लगा है। नहीं, हम ये होने नहीं दे सकते। नहीं, कोई जरूरत नहीं है फेरे मेरे लेने की, तुझे धोखा दिया जा रहा। कौन सा धोखा, तू क्या बोले जा रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुधा मेरी बात तो सुन, हम सच कह रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है, तुझे मोल की दुल्हन बनाया जा रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा, तेरे पापा ने तुझे बेचा है सुधा।
तेरे बाबा को 5 लाख रुपए मिले तेरे बदले में, और जो तू वो पक्का मकान दिखा रही थी वो तेरे बदले में दिया गया। नहीं हम होने नहीं देंगे, सुधा चल हम भाग निकल रहे, तू चल। दुल्हन को लेकर कहाँ भाग रही थी तू, क्या बकवास कर रही थी तू? मुखिया जी हम सच कह रहे हैं, यहाँ पे इसकी इसकी शादी नहीं, इसको सौदा किया जा रहा है, इसकी मूल की शादी की जा रही है, इसके बाबा ने बेच दिया इसे, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। मुखिया जी आप तो बड़े आदमी हैं, आप कुछ कीजिए ना मुखिया जी, प्लीज हम आपके आगे हाथ जोड़ दें। बस बहुत सुन ली थारी, अब तुम्हारी सुन ले, जो कोई चोरी चकारी ना चल रही थी, जो रुकवाने की बात कर रही थी तू, यो मोल की से, मोल की क्या हुए तन्ने पता से, मोल की कोई सौदेबाजी ना से, मोल की एक प्रथा एक परंपरा से, ऐसी परंपरा जो इन गरीब छोरियों की भलाई के लिए बनाई गई से, जो माँ बाप अपनी छोरियों का ब्याह करवाने में सक्षम ना हुए, ना केवल उन छोरियों का ब्याह करावे से मूल की, बल्कि रुपया पैसा मकान देकर उन गरीब माँ बाप की भी मदद करे से मूल की परंपरा। और सबसे बड़ी बात, मूल की प्रथा में छोरियों की मंजूरी सबसे पहले ली जावे, उनकी मंजूरी के बिना शादी ना हुए। ए छोरी तू बता, मोल की अपनी मर्जी से बनी है कि नहीं? हाँ मुखिया जी, ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, हम मोल की भी मैं अपनी मर्जी से ही बनी हूँ। समझ क्यों नहीं रही है पूर्वी? मैं ना अपने माँ और पापा को ना ऐसे भूख से मरते नहीं देख सकती पूर्वी, उन्होंने पूरी जिंदगी निकाल दी पूर्वी सिर्फ एक पक्का खाना खाते खाते, अगर मैं उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी देना चाहती हूँ तो पूर्वी इसमें क्या गलत है? दूसरों के लिए ना बारिश का मौसम बहुत सुहाना होता है, लेकिन हमारे लिए ना वही मौसम पूर्वी डरावना होता है। मैं ना अपने माँ और बाबा को ना एक प्यारा सा पक्का सा मकान देना चाहती हूँ, कितनी भी बारिश हो ना वो पानी टपके और ना मेरा घर टूटे। मुखिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें जो भी पैसे मिले ना इससे मेरे माँ और पापा की मदद हो जाएगी, और ना शादी के बाद ना मेरे माँ और पापा खुश रहेंगे और शायद मैं भी। मुखिया जी मैं आप से इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, इसे गलत फहमी हो गई थी, इसे माफ कर दीजिए। थैला ले और चाची को बोल कि खाना ऊपर तक भर के दे, अगर ये थैला नहीं भरा ना तो बाबा का पारा सर तक चढ़ जाएगा।
चाची थोड़ा थोड़ा सा खाना मिलेगा क्या? देख लिया हमने सब, अब पकड़ा गया तू। मालकिन आपके लिए चाय। अरे नहीं नहीं, बहुत खाना खा लिया, गला ना इधर तक भर। मेरा हार कहाँ गया? अरे वो गिरनी वाला हार पहन के आई थी ना, मैं तो अभी तो पहन रखा था मैंने, पता नहीं कहाँ चला गया। मालकिन यहीं कहीं गिरा होगा, मैं ढूंढ देती हूँ। हाँ तो जरा देखना। चल चुपचाप चल के अंदर सबको बता दे कि ये हार तूने चुराया, नहीं तो अभी शोर में जाके सबको बुला लूंगी। भाग गया चोर कहीं का, कोई बात नहीं, हम ये हार वापस दे देते हैं जाकर। थोड़ी देर पहले ही देखा था मैंने, मैंने पहन रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। मालकिन मालकिन, मुझे पता है हार किसके पास है। किसके पास है? जिसके घर में खाने के रोटी के लाले पड़े हो ना, चोरी तो वही करेगा ना। तो फिर किसने की है चोरी? मालकिन ये चोरी चोरी की है। किसने? हाँ इसी ने। नहीं मालकिन, हम क्यों चुराएंगे आपका हार? क्यों चुराएंगे? मालकिन कहते ना, आदमी की शक्ल पे नहीं जाना चाहिए, उसके पैर को जूते पे जाना चाहिए। इसके देखो पैर, इसकी टूटी चप्पल बता रही है इसकी खोटी नीयत। मालकिन वो हार इसी ने चोरी की है, इसी ने चोरी है। नहीं मालकिन, हम क्यों चुराएंगे आपका हार? और ये आई थी तो कुछ और चोरी करने। ये देखो मालकिन, ये देखो मालकिन हार। ये हार मालकिन, खाना चुराते चुराते इसने सोचा क्यों ना हार चुरा लूं। फिर जिंदगी भर खाना चुराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों मालकिन ये झूठ बोल रहे हैं? हमने विश्वास कीजिए, हमने नहीं किया ये। मालकिन हम आपको बता रहे हैं, हमने नहीं चुराई। अगर तुमने हार नहीं चुराया तो तुम्हारे झोले में आया कैसे? खाने के साथ साथ तुम्हें पैसों की जरूरत थी, हमें बता दिया होता तुमने। अरे इसके शराबी बाप ने पूरे गांव से कर्जा ले रखा है, उसी को चुकाने के लिए चोरी करने के लिए कहा उसने। अब चोर नहीं हम, तेरी छोटी बहन आवारा तो है ही, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी पूर्वी। तू बताना इन सबको, हम ये नहीं कर सकते। बहुत दोस्त बनती है पूर्वी, यही थी तेरी दोस्ती? मतलब मेरी शादी में आके मेहमानों की चोरी कर रही है। चुप कर जा, बहाने बनाना बंद करो। काकी आप हमारा भरोसा कीजिए, हम नहीं कर सकते काकी ये सब कुछ। मालकिन मालकिन, मैं तो कहता हूँ उसे पुलिस को दे दो। वाह उल्टा चोर कोतवाल ने डांटे। यह चोरी हार चोरी करने नहीं आई थी, बल्कि हार वापस करने आई थी। चोर तो यह उचक्का है, मैंने अपनी आंखों से देखा है इसको। मालिक चोरी करके भाग रहा था? हाँ बोल, पकड़ लिया अब हमने। चल चुपचाप चल के अंदर सबको बता दे कि यह हार तूने चुराया, नहीं तो अभी शोर मचा के सबको बुला लूंगी। रुक जा।
सामने आना ही था ना, आ गया। गलती हो गई हमसे, हमसे गलती हो गई मालिक। हमारी माँ का हार बचाकर तूने बहुत अच्छा काम किया, ये हार था इनाम से रख लो। पेट से